Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel. I hope so you are all good and enjoy good health with the blessing of Allah Pak. आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है जी D10 फेस पैक। आज हम एक D10 फेस पैक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यानी कि सन प्रोटेक्शन के साथ साथ बहुत एवन स्टेटेड की बहुत अमेजिंग चीज़ मैंने आप लोगों के लिए सर्च की है। कि एक तो D10 पे एक तो आपको सन टैनिंग सन प्रोटेक्शन देगा, दूसरा आपको इंस्टेंट वार्निंग इफेक्ट देगा, तीसरा क्या देगा जी आपकी स्किन को ग्लोइंग हेल्दी लुक देगा, तीसरा क्या देगा जी आपकी स्किन को बहुत बहुत कमाल का इस बरसात के मौसम में बहुत कमाल का ग्लो प्रोवाइड करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है जना कि खून और पसीना एक बहुत है, सारे बड़े ऐसे ही कहते हैं और नो डाउट ऐसा ही होता है कि गोरे चिट्टे काले सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब कंडीशन के बावजूद भी खुद की यानी कि स्किन के कलर कम्प्लेक्शन को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किस तरह हो सकता है, वो इसी तरह हो सकता है कि छोटी छोटी आप रेमेडीज़ करते रहो और खुद को प्रोटेक्ट रखो सन से, सन डैमेज से, सन से प्रोटेक्ट रखो और अपने चिट्टे रंग को, यू कैन से चिट्टा रंग को जो है जी बहुत ही, कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमारा कलर बहुत फेयर होना चाहिए, यार फेयरनेस कुछ नहीं होता, जस्ट हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है और उसमें बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स पिंपल्स पिगमेंटेशन है तो इट्स नॉट आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो स्किन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी। अट्रैक्शन जो होती है वो सब कलर्स में होती है, ठीक है जी। तो उसके लिए स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही आज के कमाल का, आज का कमाल का डिटेल फेस पैक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, जो आप लोगों के साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दिन फायदे देने वाला है। एंड आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद, अब इस रेमडी को ट्राई करने के बाद आप मुझे ढेर सारा मेरे वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जिना बात ये है कि वो कौन सा डिटेल फेस पैक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, जिसके बारे में मैंने इतनी आप लोगों से बातें की यार ये एक दो ने तीन चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट है आप लोग जब सुनोगे तो आप लोगों के ना बातें तो इतनी कर रहे थे, लेकिन इंग्रेडिएंट क्या है सारे सिंपल से हैं जिना, नो डाउट इंग्रेडिएंट सिंपल हैं बट उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाले ये जस्ट एक D10 फेस पैक नहीं बल्कि कोरियन D10 फेस पैक है, जो कि वाइटनिंग का बहुत एक बम्बार कह रहे हैं जिसे आप, एक बहुत बड़ा पैकेज होता है वो है D10। तो इसमें सबसे पहले हम राइस यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि राइस को हम किसी भी कैटेगरी में यूज़ कर लो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है जनाब, इसमें राइस जो होते हैं फुली यानी कि एक पूरा कहने के पूरा एक पैकेज होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिंस होते हैं, फाइबर्स जिसमें विटामिंस होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इट आल्सो नरिश योर स्किन यानी कि आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट रखता है और एक वाइटनिंग तो देते ही देता है। और इसके साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट जो हमारा यूज़ होने वाला है यहाँ पे वो हम यूज़ कर रहे हैं हनी। एंड दूसरा इंग्रेडिएंट हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है जी एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल नहीं लेनी, एलोवेरा नहीं लेनी, आप लोगों ने फ्रेश एलोवेरा लेनी है, ठीक है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर नो डाउट अगर इनकेस कि आपके पास फ्रेश नहीं है तो यू कैन टेक यार मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल एलोवेरा, बट मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप जो है वो घर के एलोवेरा जेल लो, प्लांटेड एलोवेरा लो, और हर घर में एक यानी कि एलोवेरा का प्लांट होना चाहिए बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्किन के लिए, हेल्थ के लिए और हेयर के लिए। एंड आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लेनी है। और इसके साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हनी यूज़ करेंगे यहाँ पे। हनी क्या करता है कि हमारी स्किन को डीपली जो होता है ना, जो कह सकते कि पोर्स के अंदर जाके डीपली नरिशमेंट करता है, हाइड्रेट करता है और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, जो डेड सेल्स होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ हो जाती है और फिर उनकी वजह से पस, दाने, पिम्पल्स ये सारी चीज़ होती है उन सबको ख़त्म करने में हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यहाँ पर। और फिर हम इसमें यूज़ करेंगे, आप लोग यहाँ पे रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, योगर्ट भी यूज़ करते हैं, जो चीज़ आप लोग को सूट करे कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई इतनी देर नहीं है कि आप लोग के पास यही चीज़ होनी चाहिए। फिर इसके साथ हम लोगों ने जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा लेना है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या चीज़ है कमाल की वाइटनिंग के लिए, और इसके साथ साथ हमारे सेल्स को एक्सफोलिएट करती है यानी कि क्या करेगी, स्क्रबिंग का काम करेगी, बहुत एक गुड स्किन और बेबी लाइक स्किन जो है हमें प्रोवाइड करती है। देन नाउ लेट्स सी कि देख लेते कि कौन से इंग्रेडिएंट है जो हमने इनको क्या ताम झाम इनके साथ करना है, कैसे बनाना है, कैसे इसकी एप्लीकेशन करनी है, इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, तो देख लेते हैं हम जनाब, और देख के फिर उसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग सारा रिजल्ट शेयर कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जी मैंने लिया है यानी कि राइस फ्लावर लिया है, ठीक है जी, चावल का आटा लिया है, और ये है जी कोरियन का बेसिक एलिमेंट, बेसिक इंग्रेडिएंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। देन हम
इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे वाइटनिंग के लिए, इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम स्किन के जो सेल्स हैं उन्हें एक्सफोलिएट करेगी। देन यहाँ पे मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा ली थी। यहाँ पे मैंने ये देख ले इस तरह एलोवेरा को लेके निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। देन ये इसमें ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं हम इसमें ऐड कर रहे हैं हनी ऐड कर देंगे। अब ये इस तरह तो पेस्ट नहीं ना बनने वाला। देन आप लोग इसमें क्या करोगे कि आप लोगों जो चीज़ आप लोगों को सूट करती है आप लोग वो ऐड कर लो। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ योगर्ट, ठीक है जी। अब इन सबको हमने मिक्स कर लेना है जी। जनाब ये था आज का हमारा कोरियन डिटेन फेस पैक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करोगे और ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर किया करेंगे यार। मुझे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स की बहुत बेचैनी से वेट होता है कि यार कैसा रिजल्ट आया, कैसा रिजल्ट है, आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।